अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आज का अध्याय जीएसटी के बारे में है। इसमें आप जानेंगे जीएसटी क्या है, भारत में जीएसटी क्यों और कब लागू किया गया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम क्या है, जीएसटी के अंतर्गत कौन कौन से डीलर्स आते हैं, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, जीएसटी के अंदर कितने टैक्स स्लैब हैं इत्यादि। दोस्तों, जीएसटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस वीडियो में हम इसे सरल शब्दों में और कम से कम शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप जीएसटी के बारे में जान पाएं। पर ध्यान रखें, सरकार समय समय पर जीएसटी से संबंधित कुछ नए अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन करती रहती है, इसलिए आप भी समय समय पर जीएसटी से संबंधित नई नई जानकारी लेते रहें। जीएसटी के बारे में समझने से पहले हमें टैक्स के बारे में समझना होगा कि टैक्स क्या होता है। सरकार को देश की प्रगति के लिए, जैसे सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल आदि के निर्माण के लिए, विकास की योजनाओं के लिए, देश की सुरक्षा के लिए रक्षा उपकरणों, हथियारों को खरीदने बनाने के लिए, इसी तरह अन्य सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश के नागरिकों से धन इकट्ठा करती है, इसे टैक्स कहते हैं। भारत में दो तरह के टैक्स लगते हैं, डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स से तात्पर्य ऐसे टैक्स से है जो सरकार सीधे हमसे वसूल करती है, जैसे इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को समझने के लिए हम आपको इनकम टैक्स का उदाहरण दे रहे हैं। इनकम टैक्स हमारी आय के ऊपर लगने वाला टैक्स है। इसके अंतर्गत हमें किसी निश्चित सीमा के बाद हमारी जो भी आय होती है उस पर किसी निश्चित दर से सीधे सरकार को टैक्स देना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स से तात्पर्य ऐसे टैक्स से है जो सरकार सीधे हमसे वसूल नहीं करती, बल्कि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं या किसी से कोई सेवा यानी सर्विस लेते हैं और उसके बाद वो व्यापारी या सर्विस प्रोवाइडर जब हमें उसका बिल देता है तो उसमें माल या सर्विस के मूल्य के साथ कुछ टैक्स भी जुड़ता है और बाद में वो व्यापारी या सर्विस प्रोवाइडर हमसे वसूला गया टैक्स सरकार को देता है। इस तरह के टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत जीएसटी, वेट, एक्साइज ड्यूटी इत्यादि आते हैं। चलिए आप समझते हैं जीएसटी क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, गुड्स यानी माल या वस्तुएं, सर्विसेज यानी सेवाएं और टैक्स यानी कर। इस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब हुआ माल या वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर। अब सवाल ये है कि वस्तुओं और सेवाओं पर तो पहले से ही टैक्स लगते आ रहे हैं, तो फिर जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी और इसे क्या लाभ है? तो इसको लगाने के कुछ मुख्य कारणों को समझ लेते हैं। पहला कारण है, जीएसटी लागू होने से पहले हमारे देश में व्यवसाय की प्रकृति के हिसाब से राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कई तरह के टैक्स लगाती थी। इन्हें समाप्त करके एक टैक्स लगाना था। सरकार ये टैक्स किस तरह लगाती थी, इसे समझने के लिए हम व्यवसाय को तीन मुख्य श्रेणियों में बांट रहे हैं। पहली श्रेणी है मैन्युफैक्चरर्स, ऐसे डीलर्स या कंपनियां जो कच्चा माल खरीदकर उससे उपयोग करने लायक माल या वस्तुओं का निर्माण करते हैं और फिर उस तैयार माल को अपने व्यापारियों या ग्राहकों को बेचते हैं, तो इस प्रकार के डीलर्स या कंपनियां मैन्युफैक्चरर्स की श्रेणी में आते हैं। दूसरी श्रेणी है ट्रेडर्स की। ट्रेडर्स से तात्पर्य ऐसी कंपनियों या डीलर्स से है जो केवल माल का व्यापार करते हैं, यानी तैयार माल खरीदते हैं और प्रॉफिट लेकर उसे बेच देते हैं। यहाँ पर माल से तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जिसका हम व्यापार करते हैं। जैसे कोई व्यापारी
कपड़े का व्यापार करता है तो कपड़ा उसके लिए माल है। तीसरी श्रेणी है सर्विस प्रोवाइडर्स की। सर्विस प्रोवाइडर से तात्पर्य ऐसी कंपनियों से हैं जो केवल सेवा यानी सर्विस देने का काम करती हैं, जैसे टेलीकॉम सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, एडवर्टीजमेंट सर्विस, इंस्टॉलेशन सर्विस आदि। तो इस प्रकार से हमने देखा कि काम के आधार पर व्यवसाय को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जब भारत में जीएसटी लागू नहीं हुआ था तो उस समय कंपनियों या डीलर के नेचर और माल के आधार पर अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे, जैसे माल के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी, माल के विक्रय पर वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स और सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस प्रोवाइडर पर सर्विस टैक्स इत्यादि। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को इन सारे टैक्स को खत्म करके इनकी जगह पर एक टैक्स जीएसटी लगा दिया। इसमें अभी कुछ अपवाद भी हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, शराब इत्यादि पर अभी भी वेट और अन्य टैक्स ही लग रहे हैं, अभी इन्हें जीएसटी में नहीं लिया गया है। पहले देश में कई तरह के टैक्स थे और हर टैक्स के लिए व्यापारी को अलग अलग कागजी खानापूर्ति करनी होती थी, बल्कि कई तरह के व्यापारियों को, जैसे मैन्युफैक्चरर्स को तो परचेस टैक्स, एक्साइज वेट, सेंट्रल सेल्स टैक्स सभी देना होते थे और इन सभी के लिए तरह तरह के कागजी रिकॉर्ड भी रखना पड़ते थे। ये सब करना व्यवसाय करने वालों के लिए एक बड़ा भारी सिरदर्द था। जीएसटी आने के बाद इस तरह की अलग अलग कागजी खानापूर्ति खत्म हो गई है। अब व्यवसायी को सिर्फ जीएसटी का एक ही रिकॉर्ड रखना होता है। साथ ही इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जीएसटी इतना सरल है कि इससे संबंधित सभी काम व्यापारी खुद बगैर किसी मदद के आसानी से कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं जीएसटी लगाने का दूसरा कार्य। इसकी अवधारणा है वन नेशन वन टैक्स, यानी कि एक देश एक कर, जिससे कि पूरे देश में एक जैसी कर प्रणाली हो। इसको भी हम थोड़ा विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। हमारे पूरे देश में अलग अलग राज्य सरकारें एक ही आइटम पर अलग अलग दर से टैक्स लगाती थी। उससे ये होता था कि एक ही आइटम अलग अलग राज्य में अलग अलग मूल्य पर मिलता था। जिस स्टेट में टैक्स रेट कम होता था वहाँ माल का मूल्य भी कम होता था, और जिस स्टेट में टैक्स रेट ज्यादा होता था वहाँ उस माल का मूल्य भी अधिक होता था। उदाहरण के लिए, एक टीवी बनाने वाली कंपनी पूरे देश में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा 10,000 रुपए में एक टीवी बेचती थी। इस मूल्य में वैल्यू एडेड टैक्स यानी वेट अलग से लगता था, जो कि उत्तर प्रदेश में 25% और मध्य प्रदेश में 15% था। तो ग्राहक को एक ही कंपनी का एक ही प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में 12,500 में और मध्य प्रदेश में 11,500 रुपए में मिलता था। जीएसटी लागू करके सरकार का उद्देश्य इस विसंगति को दूर करना था। इस तरह के टैक्स डिफरेंस के कारण जिस स्टेट में टैक्स रेट कम होता था, कई व्यापारी वहां से माल खरीदकर जिस स्टेट में टैक्स रेट ज्यादा होता था वहां बगैर बिल के माल बेच देते थे। बिना बिल के माल बेचने से मतलब है टैक्स चोरी करना, और यही कारण था कि जिस राज्य में टैक्स रेट ज्यादा होता था वहां टैक्स चोरी भी बड़े स्तर पर होती थी। इसे भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं। कई व्यापारी मध्य प्रदेश से 11,500 रुपए में टीवी खरीदते थे और उत्तर प्रदेश ले जाते थे। ले जाने का खर्चा 100 रुपए आता था और उस टीवी को 400 रुपए का मुनाफा लेकर 12,000 रुपए में उत्तर प्रदेश में बेच देते थे, और इस तरह टीवी बेचने पर वो बिल नहीं देते थे। अब इसका बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश के ईमानदार व्यापारियों को होता था, जो कि 10,000 रुपए का टीवी और उस पर यूपी गवर्नमेंट का 25% वेट यानी 2,500 रुपए, कुल मिलाकर 12,500 रुपए में एक टीवी बेचते थे, जबकि बिना बिल का टीवी 12,000 में बिक रहा था। तो ऐसे में ईमानदार व्यापारी का माल कैसे बिकेगा? और बस यही कारण था कि ईमानदार व्यापारी दुखी था, और इसका एक बड़ा नुकसान ये भी था
कि यूपी में माल बिकने के बावजूद भी टैक्स यूपी सरकार को नहीं मिलता था। यही हालात देश के अन्य राज्यों के भी थे। जीएसटी आने के बाद देश के सभी राज्यों में किसी भी प्रोडक्ट पर लगने वाला टैक्स एक समान हो गया है। अब आप देश के किसी भी राज्य में कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, उस पर एक ही टैक्स रेट है। जैसे कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर पूरे देश में 18% टैक्स रेट है। बस यही कारण है कि बगैर बिल का कारोबार समाप्त हो गया है, जिससे ईमानदार व्यापारी भी खुश है और समान टैक्स होने से जिस प्रदेश में माल बिक रहा है टैक्स भी उसी प्रदेश की सरकार को मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि जीएसटी नंबर किसे लेना आवश्यक है। जीएसटी नंबर के लिए भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों को दो कैटेगरी में बांटा है, नॉर्मल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी। पहले बात करते हैं नॉर्मल कैटेगरी की। अगर किसी व्यापारी के माल का टर्नओवर किसी फाइनेंशियल ईयर में यानी किसी वर्ष के 1 अप्रैल से लेकर के अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि में 40 लाख का हो जाता है तो उस व्यापारी को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। इसी तरह सर्विस प्रोवाइडर के लिए टर्नओवर की ये लिमिट 20 लाख रुपए की है। इसके अंतर्गत ये सभी राज्य आते हैं। इसमें तेलंगाना के डीलर्स को ये छूट दी गई है कि वे चाहें तो नॉर्मल कैटेगरी में जाएं और चाहें तो स्पेशल कैटेगरी में जा सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी की। अगर किसी व्यापारी के माल का टर्नओवर किसी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से अधिक हो तो उस व्यापारी को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। इसी तरह सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये लिमिट 10 लाख रुपए है। इसके अंतर्गत पुडुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सब राज्य आते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि टर्नओवर क्या होता है, तो चलिए ये भी बता देते हैं। आपके व्यापार में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल सेल होगा यानी सभी तरह के सेल्स जैसे कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स मिलाकर, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे एग्जेम्प्टेड हो या अन्य किसी भी तरह के हो, इन सभी को मिलाकर उस वर्ष का टर्नओवर कहलाएगा। उपरोक्त लिस्ट में आप अपने राज्य का नाम और बताए गए टर्नओवर को देखकर ये निर्णय ले सकते हैं कि आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है या नहीं, यदि लेना है तो किस कैटेगरी में। यदि आपका टर्नओवर जो हमने बताया है उसके अनुसार नहीं है और फिर भी आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कितने प्रकार की स्कीम्स हैं। यदि आपको जीएसटी नंबर चाहिए तो उसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की दो स्कीम्स हैं, कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम। आप अपने बिजनेस की जरूरत के हिसाब से इनमें से किसी में भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन दोनों स्कीम्स को हम डिटेल में बता देते हैं। पहले बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम के बारे में। कंपोजिशन स्कीम छोटे व्यापारियों के लिए है। इसे भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स, दूसरा रेस्टोरेंट जहां पर अल्कोहल सर्व नहीं किया जाता है और तीसरा सर्विस प्रोवाइडर्स। अब आपको पहले बताते हैं मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के लिए कंपोजिशन स्कीम के बारे में। इसके अंतर्गत वो डीलर्स आते हैं जो किसी भी तरह के माल का निर्माण करते हैं या व्यापार करते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले व्यापारी के टर्नओवर की अधिकतम लिमिट किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ है, यानी उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी उत्तर पूर्वी राज्यों और उत्तराखंड के लिए ये लिमिट 75 लाख रुपए है। और अब बताते हैं सर्विस प्रोवाइडर के लिए कंपोजिशन स्कीम के बारे में। इस स्कीम में वो डीलर्स रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जो सर्विस देने का काम करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर के टर्नओवर की लिमिट 50 लाख है, यानी उसका टर्नओवर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं उन नियमों की जो कंपोजिशन स्कीम लेने के बाद आपकी कंपनी पर लागू होंगे।
पहला नियम है, इस स्कीम में आने वाला व्यापारी केवल अपने राज्य में ही माल बेच सकता है, यानी राज्य के बाहर माल नहीं बेच सकता। हाँ, वो अपने राज्य से और दूसरे किसी भी राज्य से माल खरीद जरूर सकता है। दूसरा नियम है नो आईटीसी अवेलेबल, यानी कंपोजिशन स्कीम में व्यापारी को कभी भी आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है। अब इसको समझने के लिए पहले समझना होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है। जब भी कोई डीलर गुड्स या सर्विस परचेस करता है तो उस परचेस पर जीएसटी भी देता है, और जब वो गवर्नमेंट को अपना जीएसटी पे करता है तब खरीद पर दिए गए टैक्स की छूट लेता है, और इस तरह की मिलने वाली छूट को आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। कंपोजिट डीलर के मामले में परचेस पर चुकाए गए टैक्स की छूट नहीं मिलती। जैसे किसी कंपोजिट डीलर ने 10,000 में एक टीवी खरीदा जिस पर 1,800 रुपए जीएसटी दिया है, अब जब वो अपना जीएसटी भरेगा तो उसमें परचेस पर दिए गए जीएसटी के 1,800 रुपए की छूट नहीं ले सकता। तीसरा नियम है नो जीएसटी चार्ज। कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड डीलर जो भी सेल करता है उस सेल पर वो ग्राहक से जीएसटी वसूल नहीं कर सकता, यानी वो बिल में जीएसटी लगाकर गुड्स और सर्विस नहीं बेच सकता। जैसे कि उसने 10,000 रुपए में एक टीवी खरीदा जिस पर 1,800 रुपए जीएसटी चुकाया, और इस तरह से उसने सप्लायर को कुल 11,800 रुपए का पेमेंट किया, और इसमें अपना प्रॉफिट 1,200 रुपए जोड़कर उस टीवी को ग्राहक को 13,000 रुपए में बेच दिया। अब वो इस 13,000 रुपए पर ग्राहक से किसी तरह का जीएसटी नहीं ले सकता। चौथा नियम है कंपोजिशन स्कीम में मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स को अपने कुल सेल का 1%, रेस्टोरेंट जहां पर की अल्कोहल सर्व नहीं किया जाता है उनको 5%, और सर्विस प्रोवाइडर को 6% का जीएसटी अपने पास से भुगतान करना पड़ता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि कंपोजिट डीलर ने 13,000 में एक टीवी बेचा, और यदि वो ट्रेडर की श्रेणी में आता है तो उसे 13,000 रुपए पर 1% यानी 130 रुपए जीएसटी भरना होगा। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ट्रेडर ये जीएसटी ग्राहक से वसूल नहीं कर सकता, ये उसे अपने पास से ही भरना होगा। पांचवा नियम है कंपोजिशन स्कीम में उसे बिल के ऊपर बिल ऑफ सप्लाई लिखकर देना होता है, जिससे ग्राहक को मालूम पड़ सके कि उसने जिससे माल खरीदा है वो कंपोजिशन डीलर है। छठवां नियम है कंपोजिशन स्कीम में व्यापारी को क्वार्टरली यानी 3 माह में एक बार टैक्स का भुगतान करना होता है। सातवां नियम है कंपोजिशन स्कीम में व्यापारी को हर बिल का हिसाब नहीं रखना होता है, क्योंकि उसने ग्राहक से कोई टैक्स ही नहीं वसूला है तो फिर सरकार उससे प्रत्येक बिल का हिसाब क्यों ले। उसे तो केवल हर 3 माह में जीएसटी सीएमपी 8 और साल में एक बार जीएसटीआर 4 रिटर्न फाइल करना होता है। यहाँ रिटर्न से तात्पर्य है आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं उनकी समरी देना। अभी हमने कंपोजिशन स्कीम के बारे में बात की, आइए अब रेगुलर स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। रेगुलर स्कीम में टर्नओवर की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, और इसके अंतर्गत आने वाला व्यापारी राज्य के अंदर और राज्य के बाहर दोनों जगह पर माल खरीद और बेच सकता है। रेगुलर स्कीम के अंतर्गत कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी हैं, आइए उन्हें समझ लेते हैं। पहला है, रेगुलर स्कीम के अंतर्गत आने वाले व्यापारियों द्वारा जो भी माल या सेवाओं की खरीद की जाती है और उस खरीद पर जो भी जीएसटी चुकाया जाता है उसका आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करते समय खरीद पर दिए गए जीएसटी की छूट मिलती है।
दूसरा नियम है रेगुलर स्कीम के अंतर्गत आने वाला व्यापारी जो भी माल अपने ग्राहक को बेचता है उस पर वो उस ग्राहक से जीएसटी वसूलता है। इस तरह सेल पर वसूल किए गए जीएसटी को आउटपुट जीएसटी कहते हैं। तीसरा नियम, इस स्कीम में डीलर अपने सेल के आउटपुट जीएसटी से परचेस के इनपुट जीएसटी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटाता है और इनके डिफरेंस का भुगतान सरकार को करता है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो अपने सेल पर वसूले गए जीएसटी में से परचेस के समय दिए गए जीएसटी को कम करके बकाया जीएसटी का भुगतान सरकार को कर देता है। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड डीलर हैं और आपने एक टीवी 10,000 रुपए मूल्य का खरीदा जिस पर 18% से 1,800 रुपए जीएसटी दिया यानी टीवी के लिए कुल 11,800 रुपए का भुगतान किया। अब इस टीवी को आपने 10,000 के ऊपर 3,000 रुपए का प्रॉफिट लेकर 13,000 रुपए में बेचा जिस पर ग्राहक से 2,340 रुपए जीएसटी भी वसूला यानी कुल 15,340 रुपए लिए। अब इसमें 2,340 रुपए आउटपुट जीएसटी कहलाएगा और 1,800 रुपए इनपुट जीएसटी कहलाएगा और आपको इन दोनों का डिफरेंस यानी केवल 540 रुपए ही सरकार को देना होगा। इस तरह जीएसटी पे करने का फार्मूला हुआ आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी पेबल। चौथा नियम है रेगुलर स्कीम के अंतर्गत व्यापारी अपने ग्राहकों से जीएसटी अलग से वसूल करता है इसलिए उसे सरकार को बताना होता है कि उसने किस बिल पर कितना टैक्स वसूला है यानी उसे प्रत्येक बिल का हिसाब देना होता है। पांचवा नियम, रेगुलर स्कीम में व्यापारी अपने ग्राहक को जो इनवॉइस देता है उस पर टैक्स इनवॉइस लिखा होना चाहिए। छठा नियम है, इसमें प्रत्येक व्यापारी को हर माह टैक्स जमा करना होता है। और सातवा नियम, इसमें व्यापारी को कुछ रिटर्न्स जैसे GSTR 3B और GSTR 1 फाइल करना होते हैं। यदि व्यापारी का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो हर माह और यदि 5 करोड़ से कम है तो क्वार्टरली GSTR 3B और GSTR 1 भरना होते हैं। इसी तरह कुछ और रिटर्न्स भी हो सकते हैं जिन्हें अलग अलग कंडीशन के हिसाब से भरना होते हैं। यहाँ पर हमने आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की दोनों स्कीम कंपोजिशन और रेगुलर स्कीम के बारे में बता दिया है। आइए अब देखते हैं जीएसटी के लिए डीलर्स को रजिस्ट्रेशन कहाँ और कैसे करवाना होता है। सरकार ने वन नेशन वन टैक्स के रूप में जीएसटी को लागू कर दिया है। साथ ही इस टैक्स की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क बनाया है जिसे शॉर्ट में GSTN कहते हैं। GSTN ने एक GST पोर्टल www.gst.gov.in बनाया है। इस पोर्टल पर डीलर्स स्वयं GST से संबंधित अपने सभी काम ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने पर उन्हें एक GST आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है जिसे शॉर्ट में GSTIN कहा जाता है। ध्यान रखें GSTIN यानी GST नंबर पैन कार्ड के आधार पर ही मिलता है। बिना पैन कार्ड के रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। GST रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी फर्म जिस भी तरह की है जैसे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF या कंपनी, उसके नेचर के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होंगे। तो चलिए अब समझते हैं GST नंबर का फॉर्मेट कैसा होता है। GST नंबर 15 डिजिट का होता है जिसमें आगे के 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं। जैसे कि हम मध्य प्रदेश के व्यापारी हैं तो यहाँ हमारा स्टेट कोड 23 आ रहा है। फिर ये 10 डिजिट हमारे पैन के होते हैं। 13वें नंबर का डिजिट हमें ये बताता है कि किसी एक पैन से कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं।
चौदहवें नंबर पर जो डिजिट है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है और लास्ट डिजिट को चेक कोड कहा जाता है जो एरर को डिटेक्ट करता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं जीएसटी नंबर कितने दिन में मिलता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है जिसकी सहायता से आप जीएसटी पोर्टल पर अपनी स्थिति देख सकते हैं। अगर जीएसटीएन यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क को कोई आपत्ति नहीं होती है तो 3 से 4 दिनों के अंदर आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर GSTIN यानी GST नंबर जारी कर दिया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं जीएसटी में कितने प्रकार के डीलर्स होते हैं। इसमें 2 प्रकार के डीलर्स होते हैं, रजिस्टर्ड डीलर्स और अनरजिस्टर्ड डीलर्स। रजिस्टर्ड डीलर्स से तात्पर्य है ऐसे व्यापारी जो जीएसटी नंबर लेते हैं यानी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, यदि व्यापारी ने रजिस्ट्रेशन करते वक्त रेगुलर स्कीम ली है तो वो रेगुलर डीलर कहलाता है, और यदि उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ली है तो वो कॉम्पोजिशन डीलर कहलाता है। अब बात करते हैं यूआरडी यानी अनरजिस्टर्ड डीलर की। अनरजिस्टर्ड डीलर उन्हें कहते हैं जिन्होंने जीएसटी नंबर नहीं लिया होता है, यानी कस्टमर्स या कोई बहुत ही छोटे व्यापारी। वैसे गवर्नमेंट इन दोनों को ही कंज्यूमर मानती है। अब बात करते हैं कि जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने जीएसटी क्या है, इसमें कितनी स्कीम्स होती हैं और कितने प्रकार के डीलर्स होते हैं इत्यादि अनेक जानकारी प्राप्त की। अब बात करते हैं जीएसटी कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी और आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। जब कोई रेगुलर डीलर अपने ही राज्य में किसी को माल बेचता है या किसी रेगुलर डीलर से माल खरीदता है तो इस माल की क्रय और विक्रय पर एसजीएसटी और सीजीएसटी लगाया जाता है। राज्य के अंदर इस प्रकार के क्रय विक्रय को इंट्रा स्टेट परचेस या सेल कहते हैं। मान लीजिए किसी रजिस्टर्ड डीलर ने 1,000 रुपए का माल बेचा। जो माल बेचा है उस पर 18% जीएसटी एप्लीकेबल है, तो रजिस्टर्ड डीलर उस ग्राहक से 1,000 रुपए माल के और 180 रुपए टैक्स के लेगा, यानी कुल 1,180 रुपए लेगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि अपने ही राज्य में माल बेचने पर इस टैक्स के 2 हिस्से हो जाते हैं, जिसमें आधा यानी कि 9% सीजीएसटी और आधा 9% एसजीएसटी में विभाजित हो जाता है। तो बिल इस प्रकार बनेगा, माल का मूल्य 1,000 रुपए, एसजीएसटी @9% 90 रुपए, सीजीएसटी @9% 90 रुपए, कुल 1,180 रुपए। कहने का मतलब ये है कि अपने राज्य में लेन देन होने पर जीएसटी का आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास एसजीएसटी के रूप में और आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सीजीएसटी के रूप में चला जाता है। जो व्यापारी यूनियन टेरिटरी में आते हैं जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप इत्यादि में, तो वो अपने सेल्स पर एसजीएसटी के बजाय यूटीजीएसटी लगाते हैं। इसी तरह जब कोई रेगुलर डीलर एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी व्यापारी को माल बेचता है या किसी रेगुलर डीलर से माल खरीदता है तो इस माल के क्रय और विक्रय पर केवल आईजीएसटी लगाया जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में इस प्रकार के क्रय विक्रय को इंटर स्टेट परचेस या सेल कहते हैं। मान लीजिए किसी रजिस्टर्ड डीलर ने दूसरे राज्य में 1,000 रुपए का माल बेचा। जो माल बेचा है उस पर 18% जीएसटी एप्लीकेबल है, तो बिल बनेगा, माल का मूल्य 1,000 रुपए, आईजीएसटी @18% 180 रुपए, कुल 1,180 रुपए। ये जो आईजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उसके 2 भाग करती है, एक वो खुद रखती है
और एक भाग उस स्टेट गवर्नमेंट को देती है जिस स्टेट में वो माल बिका है। चलिए अब बात करते हैं जीएसटी के अंतर्गत आने वाले टैक्स स्लैब की। कौन से वस्तु पे कितना टैक्स लगेगा, ये निश्चित करने के लिए सरकार ने जीएसटी के अंतर्गत आने वाले गुड्स और सर्विसेज पर उनके उपयोग के हिसाब से उन्हें अलग अलग समूहों में बांटकर टैक्स रेट निश्चित किए हैं, जिन्हें टैक्स स्लैब कहते हैं। सरकार ने जीएसटी के अंतर्गत 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के टैक्स स्लैब निश्चित किए हैं। दो चित्रों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि सरकार ने कौन से आइटम्स पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया है। यह है पहला चित्र। और यह है दूसरा चित्र। अभी हमने जो इस वीडियो में बताया उसकी महत्वपूर्ण बातों को हम फिर से चार्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो का पूरा पीडीएफ हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि टैली प्राइम में जीएसटी कैसे एनेबल करते हैं और इस पर कैसे काम किया जाता है। धन्यवाद।